to deliver his statement to the press. His Excellency Mr. Chan Dai Quang, President of the Socialist Republic of Vietnam, distinguished delegates, members of the media, Xin Chao. Namaskar. सबसे पहले मैं वियतनाम के नववर्ष टेट के लिए यहाँ उपस्थित सभी वियतनामी अतिथियों का और वियतनाम के सभी लोगों का पूरे भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे भारत के अभिन्न मित्र और वियतनाम के राष्ट्रपति श्रीमान चेन दाई क्वांग जी का स्वागत करने का सौभाग्य मिला। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के फ्रेमवर्क में और आसियान के साथ हमारे सहयोग में वियतनाम की अहम भूमिका है। इस वर्ष जनवरी में हमें आसियान इंडिया कमोरेटिव समिट के अवसर पर अन्य 9 आसियान लीडर्स के साथ वियतनाम के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का सुअवसर मिला था और अब राष्ट्रपति जी की यह भारत यात्रा हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और भी मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत देती है। भारत और वियतनाम के संबंधों को सुदृढ़ बनाने में राष्ट्रपति जी ने स्वयं कई वर्षों से निजी रुचि लेते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक्सेलेंसी, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम दोनों देशों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ी है। हम महात्मा गांधी और होची मिन की विरासत के उत्तराधिकारी हैं। 2016 में मेरी वियतनाम यात्रा के समय हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रूप का रूप दिया था और पिछले वर्ष हमने अपने डिप्लोमेटिक संबंधों की 45वीं वर्षगांठ और अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 10वीं वर्षगांठ मनाई है। लेकिन हमारे संबंध दो सरकारों के संबंधों के दायरे में सीमित नहीं है। हमारी सभ्यताओं के आपसी रिश्ते 2000 साल पुराने हैं। हमारे यह सांस्कृतिक संबंध ऐतिहासिक मात्र नहीं है, बल्कि ये लिविंग हेरिटेज है। राष्ट्रपति जी, कल आपने स्वयं इसका सीधा अनुभव बोधगया में अवश्य किया होगा। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात में हमने अपने संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की है। हम दोनों विकासशील देश हैं और एक दूसरे के अनुभव से लाभान्वित होते रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि वियतनाम के हजारों लोगों ने भारत में तकनीकी एवं अन्य विषयों पर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया है। भारत में इस विश्वास और भरोसे के लिए मैं राष्ट्रपति जी का और वियतनाम के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट संबंध मजबूत है। वैश्विक मंदी के माहौल में भी हमारा ट्रेड लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा द्विपक्षीय व्यापार 6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 10 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है। आज हमारी बातचीत में हमने कई सेक्टर्स में अपने ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट संबंधों को और अधिक मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। इनमें
रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर में हम न सिर्फ अपने लॉन्ग स्टैंडिंग द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेंगे बल्कि हम अन्य देशों के साथ मिलकर त्रिपक्षीय साझेदारी की संभावनाओं पर भी काम करेंगे। मुझे आशा है कि राष्ट्रपति जी के साथ भारत आए वियतनाम के बिजनेस डेलीगेशन को भारत के विकास से लाभ उठाने के अवसरों का पूरा परिचय मिलेगा। फ्रेंड्स, हमारे मजबूत संबंधों का एक स्तंभ है हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी सहयोग। हमारी सेनाओं के सभी अंगों के बीच तो गहन सहयोग है ही। आज हमने यह भी तय किया है कि डिफेंस प्रोडक्शन में भी हम अपना सहयोग बढ़ाएंगे। डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन, प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की संभावनाओं को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। हम साथ मिलकर एक ऐसे स्वतंत्र, खुले और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करेंगे जहां संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाता है और जहां बातचीत के माध्यम से मतभेदों का समाधान होता है। हम दोनों अपने सामुद्रिक संबंधों को बढ़ाने के लिए और खुले, पारदर्शी, समावेशी और रूल बेस्ड क्षेत्रीय आर्किटेक्चर के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। फ्रेंड्स, यह संतोष का विषय है कि हमारी पुरातन सभ्यताओं के संपर्क आज भी जीवंत है। इसकी झलक हमारे बढ़ते हुए कल्चरल टूरिज्म और पीपल टू पीपल लिंक्स में देखने को मिलती है। हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि वियतनाम में मीसन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारतीय पुरातत्व सर्वे का योगदान रहा है। पिछले वर्ष मेरे होम स्टेट गुजरात में अहमदाबाद को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किए जाने में वियतनाम के अमूल्य समर्थन के लिए हम वियतनाम के बहुत बहुत आभारी हैं। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत वियतनाम संबंधों में एक नई गति, एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। हमारे संबंध सिर्फ हम दो देशों की भलाई और खुशहाली के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि वियतनाम के राष्ट्रपति जी की यह भारत यात्रा हमारे संबंधों को और अधिक बल देने में सफल होगी। मैं एक बार फिर राष्ट्रपति जी का और वियतनाम के डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।